Hello students, how are you? I hope you all are safe and fine at home. Today we are going to learn alphabet A. Okay? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? Alphabet A. तो देखो, I will show you flash card. Look at this. Okay? दिख रहा है सबको? How to write? One standing line. टू स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्मॉल स्लीपिंग लाइन. ओके, चलो अभी एच फॉर हैंड. तो मैं आपको दिखा रही हूँ हाउ टू राइट अल्फाबेट एच. ओके, रेड लाइन, अपर रेड लाइन टू लोअर ब्लू लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड थोड़ी जगह रख के दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइन. ओके, एंड मिडल वाली ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन. इट्स मेक अ एच. ओके, वन स्टैंडिंग लाइन, अपर रेड लाइन टू लोअर ब्लू लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन. हाउ टू राइट अपर रेड लाइन टू ब्लू लाइन, फिर से अपर रेड लाइन टू ब्लू लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन. ओके, देखो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन. ओके, स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन. इट्स मेक अ एस. तो चलो अभी हम देखेंगे मार्वल सेमेस्टर सीरीज बुक वन में से. ओके, नाउ ओपन. नाउ ओपन योर मार्वल सेमेस्टर सीरीज बुक वन. ओके, और पेज नंबर है 50. ओके, लुक एट हियर. तो पहले आज की यहाँ पे डेट लिखनी है. ये है अल्फाबेट एच. कौन सा? अल्फाबेट एच. ओके, एच फॉर हिप्पो, एच फॉर हिप्पो, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैंगर, एच फॉर हैंगर, एच फॉर हॉट. हॉट यानी गरम, चाय गरम होती है ना, तो एच फॉर हॉट. एच फॉर हैट, हैट यानी टोपी, एच फॉर हैट. एच फॉर हमर, एच फॉर हमर, एच फॉर हट, एच फॉर हट. एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हियर, एच फॉर हार्ट, एच फॉर हार्ट, एच फॉर हार्ट, एच फॉर हेयर, H for hair, H for hen, H for hen, H for handkerchief, H for handkerchief, H for hand, H for hand. Okay, now page number 5151. Okay. तो पहले आज की यहाँ पे डेट लिखनी है. ओके, और अभी यहाँ पे हम ड्रेसिंग करेंगे. ओके, ड्रेसिंग की प्रैक्टिस करेंगे. एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस. प्रैक्टिस राइटिंग द लेटर एच ऑन दिस पेज. ओके, तो हाउ टू राइट अपर रेड लाइन टू लोअर ब्लू लाइन पे वन स्टैंडिंग लाइन, फिर साइड में वन अदर स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन. राइट अपर रेड लाइन टू लोअर ब्लू लाइन पे स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन. पुट ऑन द पेंसिल ऑन अ टॉप रेड लाइन टू अपर रेड लाइन टू लोअर ब्लू लाइन पे ट्रेसिंग स्टैंडिंग लाइन. साइड में ऑल्सो अदर स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन. टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन. कैसे?
टू स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन, ये जो डॉट दिए हैं उसके ऊपर आपको ट्रेस करना है स्लोली स्लोली, ऐसे आपको ट्रेस करना है। देखो कैसे करेंगे, अपर रेड लाइन टू लोअर ब्लू लाइन, साइड में अपर रेड लाइन टू लोअर ब्लू लाइन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन टू स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन टू स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन एंड इट्स मेक अ एच। आपको जो ये लाइन है उसको फॉलो करना है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके राइट, चलो तो ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। चलो राइट द लेटर विद विच अवर नेम्स बिगन, विच वन इज दिस, यस दिस इज अ हैट, एच फॉर हैट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच है ना। चलो ये कौन सा है, यस दिस इज अ हैंड, हैंड एच फॉर हैंड। तो क्या आएगा यहाँ पे, एच है ना। तो ऐसे ही ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। ओके चलो नाउ क्लोज योर सेमेस्टर बुक एंड ओपन सी डब्ल्यू बुक। अभी सी डब्ल्यू की बुक में आपको करना है यहाँ पे एच, एच फॉर हैंड। तो राइट हियर टू अल्फाबेट एच, यहाँ पे डेट लिखनी है एंड ऐसे थ्री कॉलम करनी है एंड ट्रेस द पैटर्न रेड लाइन टू ब्लू लाइन पे आपको ऐसे एच लिखना है, टू स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लिपिंग लाइन अप टू डाउन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लिपिंग लाइन। ऐसे स्लोली स्लोली आपको ये सी डब्ल्यू की बुक में पूरा पेज कंप्लीट करना है। देखो हाउ टू राइट टू स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन है ना। ऐसे ही स्लोली स्लोली दिख रहा है सबको, राइट टू स्टैंडिंग लाइन अपर रेड लाइन टू ब्लू लाइन पे स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लिपिंग लाइन है ना। देखो इट्स मेक अ एच, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैंड है ना। तो ऐसे ही आपको अल्फाबेट एच की प्रैक्टिस करनी है ऐसे पूरे पेज में। ओके नाउ अंडरस्टैंड राइट, ऐसे ही आपको सी डब्ल्यू की बुक में पूरा पेज करना है एंड नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है सर्कल द एफ फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिया है उसमें अल्फाबेट एफ जहाँ पे हो वहाँ पे आपको उसके ऊपर सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल। ओके ए, यहाँ पे क्या है ए, ये क्या है एफ, तो यहाँ पे सर्कल आएगा राइट। ये कौन सा अल्फाबेट है, यस दिस इज सी। ये कौन सा अल्फाबेट है, यस डी। ये कौन सा अल्फाबेट है, यस ये है ई, तो यहाँ पे सर्कल आएगा नहीं। ये कौन सा अल्फाबेट है, जी, तो क्या यहाँ पे सर्कल आएगा नहीं। देखो ये कौन सा अल्फाबेट है, राइट ये है एच। ये कौन सा अल्फाबेट है, राइट ये है बी। ये कौन सा अल्फाबेट है, एफ, तो ये क्या यहाँ पे सर्कल आएगा, हाँ यस। ये कौन सा अल्फाबेट है, एफ, तो यहाँ पे सर्कल आएगा। ये यहाँ पे अभी कोई एफ नहीं है, है ना। तो ऐसे ही ये से पूरा बॉक्स बना के आपकी मम्मी की हेल्प से आपको उसको
उसको बोलना है ऐसे अल्फ़ाबेट लिख दे और उसमें आपको अल्फ़ाबेट एफ ढूंढ के आपको उसके ऊपर सर्कल करना है। ओके समझ गए सभी राइट। चलो अभी क्लोज योर सी डब्ल्यू बुक एंड ओपन योर एच डब्ल्यू बुक। तो एच डब्ल्यू की बुक में भी हमें ऐसे ही करना है। चलो ये से टू पेज में हमें लिखना है ओके अल्फाबेट एच, यहाँ पे लिखना है आज की डेट, ऐसे थ्री कॉलम करके आपको यहाँ पे तीनों जगह अल्फाबेट एच लिखना है। कौन सा अल्फाबेट लिखना है? एच। हाउ टू राइट? टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन। ओके तो ये पूरा पेज आपको होमवर्क में करना है। ओके नाउ सेकंड पेज पे आपको लिखना है सर्कल दी जी फ्रॉम दी बॉक्स। ओके और आज की डेट लिखनी है और ये जो बॉक्स दिए है उसमें से आपको अल्फाबेट जी ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। ओके ये जो बॉक्स है उसमें से आपको अल्फाबेट जी ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। नाउ यू अंडरस्टैंड राइट। चलो अभी ऐसे ही आपको ये बॉक्स में से जी ढूंढ के सर्कल करना है और अभी होमवर्क में ये आप कंप्लीट करेंगे एंड क्लोज योर एस डब्ल्यू बुक। तो आज हमने क्या सीखा? यस आज हमने सीखा अल्फाबेट एच, एच फॉर हैंड। ओके और हमने मार्वल सेमेस्टर बुक में से किया, हमने सी डब्ल्यू की बुक में किया और होमवर्क की बुक में किया है ना। तो आपको ये सब याद रखना है और लर्न करना है।